नमस्कार, मैं हूं अर्पिता आर्य। भाग्य चक्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे रिश्तों का किस्मत से क्या संबंध होता है, क्या ग्रह हमारे रिश्तों पर असर डालते हैं, माता पिता, दादा दादी, भाई बहन के रिश्तों का संबंध किस ग्रह से होता है, इन सब पर विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो चलिए शुरुआत करते हैं, रिश्तों से समझते हैं कि आखिरकार किस्मत का संबंध क्या है। पंडित जी, अर्पिता, ज्योतिष ये मानता है और जानता है कि जीवन में जो लोग भी आपके साथ जुड़ते हैं, मिलते हैं, चाहे वो मित्र हो, चाहे वो विवाह की बात हो, ये सब भाग्य की वजह से ही आपके जीवन में आते हैं। आपके संतान, आपके माता पिता, दादा दादी, ये सब आपके जीवन में आपके भाग्य और आपके प्रारब्ध की वजह से आते हैं। तो निश्चित रूप से रिश्तों का किस्मत से संबंध होता है। देखिए, जो ग्रह होते हैं ये व्यक्ति के जीवन के हर हिस्से पर असर डालते हैं। किसी भी तरह का रिश्ता होगा, किसी भी तरह की चीज होगी, उस पर ग्रहों का प्रभाव जरूर होगा। व्यक्ति की उम्र, स्वास्थ्य, धन, मन, यहां तक कि रिश्ते भी ग्रहों से संबंध रखते हैं। रिश्तों से हम अपने ग्रहों को समझ सकते हैं कि भाई, हमारे जो रिश्ते अच्छे हैं उससे संबंधित ग्रह हमारा जरूर अच्छा होगा। इसी प्रकार ग्रहों से रिश्तों को समझ सकते हैं कि जो ग्रह हमारा अच्छा है उससे संबंधित हमारा रिश्ता भी अच्छा होगा। अगर हमें अपने ग्रहों को और किस्मत को अच्छा रखना है तो रिश्तों को अच्छा बनाए रखना जरूरी है। यानी आप ऐसा नहीं सोच सकते कि मैं जिंदगी में बहुत भाग्यशाली हूं, बहुत लकी हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। जरूरत हर कदम पर है, रिश्तों की जरूरत पड़ती ही है। और कोई रिश्ता हो या ना हो, मित्रता का रिश्ता तो जीवन में रहता ही है। जो ग्रह समस्या का कारण है उससे संबंधित रिश्ते का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आगे हम आपको बताएंगे कि किस रिश्ते का कौन सा ग्रह होता है, लेकिन मान लिया कि आपका कोई ग्रह खराब है और आप उससे संबंधित रिश्ते को अच्छा रखते हैं, तो पक्की तौर पर मान करके चलिए कि आपको वो ग्रह परेशान नहीं करेगा। इसीलिए रिश्तों और ग्रहों के संबंध को समझिए और अपने रिश्तों को बचाने का, मनाने का प्रयास करिए। यानी पंडित जी, जो ग्रह, जैसे बहुत सारे लोगों की कुंडली में कुछ ग्रह अच्छे और बुरे होते जाते हैं, समय के साथ इसका परिवर्तन भी होता है, उसी हिसाब से रिश्तों में भी उसका असर पड़ेगा। यानी हो सकता है कि आपके पिता के साथ संबंध अच्छे हैं, मधुर हैं, कुछ वक्त के बाद ग्रहों में परिवर्तन हुआ और वो संबंध बुरे हो गए, क्या ऐसा असर भी रहता है फिर? अर्पिता, ये तो जीवन में होता ही है कि बहुत सारे रिश्ते एक समय में हमारे बड़े करीबी होते हैं और एक समय के बाद वो रिश्ते हमसे दूर हो जाते हैं। मित्रता में भी ऐसा होता है कि बहुत सारे मित्र जो नौजवानी में हमारे बड़े निकट होते हैं, एक समय बाद वो जीवन से गायब हो जाते हैं। या अपनी पत्नी के साथ, बच्चे के साथ, माता पिता के साथ भी रिश्ते कभी कभी बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं समय के साथ। उसका कारण ये है कि जब ग्रह बदलते हैं या ग्रहों की स्थितियां बदलती है तो वो आपके और उस रिश्ते के बीच में प्रभाव पैदा कर देती है। इसीलिए हम ये समझा रहे हैं कि रिश्तों को समझिए, उनकी अहमियत समझिए और उनको चलाने की कोशिश करिए ताकि आपकी जिंदगी बेहतर चल सके। बिल्कुल। अब हम रिश्ते के हिसाब से भी पंडित जी आगे समझेंगे। और सबसे पहले पिता का रिश्ता सबसे महत्वपूर्ण होता है, उस रिश्ते का संबंध किस ग्रह से होता है और इसके सम्मान करने से कैसा लाभ होता है, ये अब हम समझते हैं। ज्योतिष में पिता का संबंध माना जाता है सूर्य से, क्योंकि सूर्य का मतलब आत्मा होती है, सूर्य का मतलब प्राण होता है और ज्योतिष में पिता का मतलब होता है सूर्य। अगर आप अपने पिता का सम्मान नहीं करते, पिता का ध्यान नहीं रखते, तो आपके सूर्य की स्थिति खराब होती जाती है, आपका सूर्य बिगड़ता जाता है। और अगर सूर्य बिगड़ेगा तो आपको अपयश मिलेगा, सरकारी समस्याएं होंगी
और हृदय संबंधी समस्याएं भी आपको जीवन में हो सकती हैं। अगर आप अपने पिता का सम्मान करते हैं, पिता की देखभाल करते हैं, तो सूर्य आपका मजबूत होता है, बिना किसी प्रयास के आपका सूर्य बढ़िया हो जाएगा। आपको जीवन में अपार नाम और यश मिलेगा, अपार सम्मान मिलेगा, और कुंडली में सूर्य कितना भी खराब क्यों ना हो, अगर आप अपने पिता के साथ संबंध अच्छा रखते हैं तो सूर्य का निगेटिव प्रभाव, सूर्य का नकारात्मक असर आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। पंडित जी, क्या कोई ऐसे उपाय भी हैं? कई लोग हैं जिनके पिता के साथ संबंध अच्छे थे, अब नहीं है, या वो संबंध अच्छा बनाना चाहते हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो संबंध अच्छा नहीं हो पा रहा है। उस संबंध को बेहतर करने के लिए रिश्ते में क्या करना चाहिए? पिता का मतलब अर्पिता सूर्य है जी। और सूर्य को मजबूत करने का सबसे सरल उपाय ये है कि आप सूर्य को जल चढ़ाइए जी। सूर्य को जल चढ़ाइए और मन से ये भावना रखिए, मन से ये प्रार्थना रखिए कि मैं अपने पिता के साथ सम्मान करना चाहता हूं, उनके साथ संबंध अच्छे रखना चाहता हूं। तो जब आप इस भावना के साथ काम करेंगे तो आपका सूर्य बेहतर होगा, और सूर्य बेहतर होगा तो संबंध पिता के साथ अच्छे होंगे। बिल्कुल। चलिए, माता के रिश्ते का संबंध किस ग्रह से होता है और इनके सम्मान करने से कैसा लाभ होता है, यह पंडित जी से समझते हैं। ऐसा कहा जाता है अर्पिता कि ईश्वर हर जगह नहीं पहुंच सकता, इसलिए उसने माता बना दी, क्योंकि माता का मतलब ईश्वर के बाद अगर दुनिया में कोई है तो वो माँ है। इतना इंपॉर्टेंट रिलेशन है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसा भी देखा होगा आपने कि माता के साथ भी संबंध अच्छे नहीं होते। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं दुनिया में। अगर हम ज्योतिष की बात करें तो देखिए, ज्योतिष में माता का मतलब होता है चंद्रमा, मदर मून कहते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा मतलब मां। माता का सम्मान अगर आप नहीं करते, माता के साथ अपने संबंध अच्छे नहीं रखते, तो आपका चंद्रमा कमजोर होगा, गड़बड़ होगा, मानसिक समस्याएं होंगी आपको, डिप्रेशन होगा, सांस के रोग होंगे, और अल्प आयु जैसी नौबत आ जाएगी, आपकी सेहत में निरंतर दिक्कतें रहेंगी अगर आपका संबंध माता के साथ अच्छा नहीं है तो। माता का सम्मान करने से मानसिक समस्याएं दूर होती हैं, आयु लंबी होती है। और मैं बता दूं कि जिन लोगों को डिप्रेशन की शिकायत है या जिन लोगों को किसी भी तरह का मानसिक रोग है, अगर वो अपनी माता के साथ अपने संबंध अच्छे रखें तो उनकी मन की जितनी भी बीमारियां हैं, मन का जितना भी डिप्रेशन है, मन का जितना भी तनाव है, वो तनाव, चिंता, समस्या दूर होगी और आपकी आयु लंबी होगी। इसमें पंडित जी क्या उपाय है अगर संबंध अच्छे रखने चाहें? जैसे पिता के लिए आप सूर्य को सुबह जल चढ़ाइए, माता से रिश्ते अगर आपको अच्छे बनाने हैं, किन्हीं कारणों से खराब हो गए, तो उपाय क्या करें? चंद्रमा को मजबूत करेंगे अर्पिता, और उसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि एक लोटा जल रोज सुबह शिवलिंग पर चढ़ाया जाए और अपनी माता के साथ बेहतर संबंधों की प्रार्थना की जाए। जैसे जैसे आपके संबंध माता के साथ बेहतर होंगे, आपका चंद्रमा ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाए। मंदिर जाना पड़ेगा या घर में भी? अगर आप घर में शिवलिंग रखते हैं, बहुत सारे लोग रखते हैं, तो घर में भी जल चढ़ाने से प्रभाव वही होगा, लेकिन अगर घर में शिवलिंग नहीं है तो मंदिर में जल चढ़ाइए जी। चलिए, अब आगे बढ़ रहे हैं। भाई बहन के रिश्तों का संबंध किस ग्रह से होता है पंडित जी? देखिए, भाई बहन के बारे में जो सबसे आदर्श उदाहरण हमें मिलता है वो है राम और लक्ष्मण का, भाई के बारे में, और बहन के बारे में कृष्ण सुभद्रा का, कृष्ण और द्रौपदी का। बहुत कीमती रिश्ता है। अब आज के जमाने में चूंकि न्यूक्लियर फैमिली हो गई है तो लोग उतना मूल्य नहीं समझते, लेकिन ये रिश्ता भी बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ज्योतिष में मंगल को भाई बहन के साथ जोड़ा जाता है। सामान्यतः मंगल भाई बहन से संबंधित होता है। अगर आप अपने भाई बहन के साथ रिश्ते खराब करते हैं
तो मंगल आपका खराब होता है या मंगल आपका कमजोर होता है। रक्त संबंधी समस्या, मुकदमेबाजी, दुर्घटना और कारावास के योग बन जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि दो भाइयों के बीच में या भाई बहनों के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर मुकदमेबाजी होती है। पक्की तौर पे जानिए कि दोनों का मंगल वहां खराब होगा, क्योंकि अगर मंगल खराब नहीं होगा तो एक आदमी तो त्याग कर देता है, कोई बात नहीं मुझे प्रॉपर्टी में कुछ नहीं चाहिए, सारा अपने भाई बहन को दे दिया। लेकिन अगर दोनों का ही मंगल चौपट है तब ऐसा होता है कि एक छोटी से जमीन के टुकड़े के लिए, एक छोटे से मकान के लिए भाई बहनों में सालों साल झगड़ा चलता है। भाई बहनों के साथ अगर आप अपने संबंध ठीक रखते हैं तो संपत्ति और दुर्घटना की समस्या कभी नहीं होगी। अगर आप मंगल को ठीक रखते हैं तो भाई बहन के साथ संबंध अच्छे होंगे, और अगर आप भाई बहन के साथ संबंध अच्छे रखते हैं तो इससे आपका मंगल ठीक होगा, वाइस वर्सा है। इसीलिए आप अपने भाई बहनों का मूल्य भी समझिए, उनके साथ जैसे भी संभव हो रिश्ते निभाने का प्रयास करिए, आपके लिए अच्छा होगा। और उपाय क्या करें पंडित जी रिश्ते सुधारने के लिए? भाई बहन के साथ रिश्ते बेहतर करने हैं तो बहुत छोटा सा उपाय है कि आप हनुमान चालीसा पढ़िए, उससे आपका मंगल बेहतर होगा। सुबह शाम एक एक बार हनुमान चालीसा पढ़िए, मंगल बेहतर होगा, भाई बहन के साथ रिश्ते बेहतर होंगे और रिश्ते लंबे समय तक अच्छे तरीके से चलते रहेंगे। बिल्कुल। अब नाना नानी और ननिहाल के लोगों के रिश्ते का संबंध किस ग्रह से होता है और क्या लाभ सम्मान करने से होगा, अब ये समझते हैं। नाना नानी का रिश्ता मदर के साइड का रिश्ता है, तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि चंद्रमा माँ से संबंध रखता है और चंद्रमा से जो ग्रह संबंध रखता है उसे कहते हैं मरकरी, बुध। इसीलिए नाना नानी और ननिहाल आपके मामा हैं, मामी हैं, मौसी हैं, मौसा हैं, नाना हैं, नानी हैं, इनका विचार किया जाता है बुध से। अगर ननिहाल के लोगों का सम्मान आप नहीं करते, अपने ननिहाल के लोगों के साथ संबंध अच्छे नहीं रखते तो बुध कमजोर होता है, कर्जा बढ़ता है जीवन में, आपकी वाणी खराब होती है और आर्थिक नुकसान की स्थितियां जिंदगी में बन जाती हैं। ननिहाल के पक्ष के लोगों के साथ अगर आप अपने संबंध ठीक रखते हैं तो जीवन में कभी उतार चढ़ाव नहीं होता। देखिए, अगर आप कर्जों से बहुत परेशान हैं या पैसे रुपए आपके पास स्थिरता से नहीं आते, रेगुलर नहीं आते, तो आप अपने नाना नानी के साथ संबंध ठीक रखिए। अगर आप अपने नाना नानी के साथ संबंध ठीक रखेंगे तो मोटे तौर पे मानिए कि पैसे रुपए को लेकर के कष्ट नहीं होगा। लेकिन अगर ननिहाल के साथ संबंध ठीक नहीं होंगे तो आर्थिक रूप से मुश्किलें आपको परेशान कर सकती हैं। इसके लिए उपाय क्या करें पंडित जी? बुध को मजबूत करेंगे और उसका सबसे अच्छा तरीका है कि भगवान विष्णु की पूजा की जाए नियमित रूप से, या सप्ताह में एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाए, तो इससे आपके संबंध ननिहाल के साथ बेहतर हो जाएंगे। बिल्कुल। अब दादा दादी के रिश्ते का संबंध किस ग्रह से होता है और इनका सम्मान करने से क्या लाभ होता है, ये समझते हैं पंडित जी। दादा दादी का मतलब हुआ पैटर्नल साइड, पिता के तरफ का। पिता का मतलब होता है सूर्य। सूर्य से सबसे ज्यादा एसोसिएटेड होता है बृहस्पति, इसीलिए बृहस्पति से दादा दादी की स्थिति का विचार किया जाता है। बहुत सारे जगहों पर राहु को भी ऐसा माना जाता है कि वो दादा दादी से संबंध रखता है, लेकिन मोटे तौर पे जिन लोगों की उम्र बहुत ज्यादा हो ऐसे लोगों का संबंध गुरु से, बृहस्पति से माना जाता है।
तो दादा दादी की स्थिति का विचार बृहस्पति से किया जाता है। दादा दादी का सम्मान न करने से बृहस्पति की स्थिति कमजोर होती जाती है, बृहस्पति की स्थिति गड़बड़ होती जाती है। पेट की, लीवर की गंभीर समस्याएं होती हैं और विद्या शिक्षा की स्थिति खराब होती है। दादा दादी का अगर आप सम्मान करते हैं, उनके साथ संबंध ठीक रखते हैं, तो गंभीर रोगों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति ज्ञानी तथा बुद्धिमान बन जाता है। यानी अगर आपको जीवन में कहीं भी ऐसा लग रहा है कि आपको डिग्री पाने में, ज्ञान पाने में या गंभीरता पाने में दिक्कत हो रही है, अपने दादा दादी के साथ संबंध ठीक रखें। अगर आप अपने दादा दादी के साथ संबंध ठीक रखेंगे तो आप गंभीर समस्याओं से बचेंगे और आप ज्ञानी बनेंगे, विद्वान बनेंगे, तपस्वी बनेंगे। पंडित जी, इसमें उपाय हमारा रह गया, क्या उपाय करना इसमें जरूरी है अगर ये संबंध हम अच्छा बनाना चाहें? बृहस्पति को मजबूत करना होगा और उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप भगवान शिव की पूजा करें। और अगर दादा दादी के साथ संबंध बहुत ज्यादा निगेटिव हैं, तो बृहस्पतिवार को केले का दान करें। बिल्कुल। अब चलिए समझते हैं कि किस राशि के लिए कौन सा रिश्ता सबसे खास है। और सबसे पहले मेष राशि। अर्पिता, आपकी राशि के हिसाब से एक ऐसा रिश्ता, एक ऐसा संबंध होता है जीवन में जिसको ठीक रखना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। वैसे तो हर रिश्ता ठीक रखना चाहिए, लेकिन एक कोई रिश्ता ऐसा होता है जिसको अगर आप ठीक रखते हैं तो जिंदगी बहुत बढ़िया हो जाती है। अगर हम मेष राशि की बात करें तो आपके परिवार के जो वृद्ध लोग हैं, जैसे दादा दादी हैं, इनके रिश्ते आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। मेष वालों को अपने दादा और दादी के साथ रिश्ते अच्छे रखने चाहिए और इनके साथ संबंधों पर ध्यान देना चाहिए। अगर आपके संबंध दादा दादी के साथ बेहतर नहीं होंगे तो आपको स्वास्थ्य की समस्या परेशान कर सकती है। इसीलिए मेष वाले वैसे तो सारे रिश्ते निभाएं, बहुत बढ़िया हैं, लेकिन अपने दादा और दादी के साथ रिश्तों को बहुत अच्छा रखने का प्रयास जरूर करें। बिल्कुल। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि आज का जो दौर चल रहा है पंडित जी, उसमें बहुत सारी चीजें स्वार्थ के हिसाब से रिश्ते निभाए जाते हैं या फिर पैसों के हिसाब से, कि कौन सा रिश्तेदार कितना अमीर, कितना उससे फायदा, कितना उससे नुकसान, वो जज करके दरअसल रिश्ते निभाए जाते हैं। लेकिन हर रिश्ता आपकी जिंदगी पर असर डालता है। राशि के हिसाब से हम वही समझ रहे हैं, मेष राशि हमने समझी, वृषभ राशि अब समझते हैं पंडित जी। वृषभ राशि वालों के लिए अर्पिता कोई स्पेसिफिक रिश्ता नहीं है, लेकिन जो लोग आपसे उम्र में छोटे हैं या जो पद में, परिवार में आपसे छोटे हैं, उनके साथ आपको रिश्ता अच्छा रखना चाहिए। जैसे छोटे भाई बहन हैं, छोटे रिश्तेदार हैं, भाई भतीजे हैं, जो आपसे उम्र में छोटे हैं, उनके साथ आपको रिश्ते अच्छे रखने चाहिए। अगर आप ऐसा करें तो निश्चित रूप से आपको बहुत सारे फायदे होंगे, क्योंकि अगर आप अपने से छोटे लोगों के साथ संबंध अच्छे नहीं रखेंगे तो आपके करियर में बाधा आ सकती है, करियर में दिक्कतें आ सकती हैं। अगर आपकी राशि वृषभ राशि है और आपके करियर में दिक्कत आ रही है, तो जरा एक बार गंभीरता से देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आपसे छोटे लोग हैं उनके साथ आप रिश्ते बेहतर नहीं रख रहे हैं। अगर उनके साथ रिश्ते बेहतर रखेंगे तो चीजों को मैनेज करना आपके लिए आसान होगा। बिल्कुल। तो वृषभ राशि हमने समझा, अब मिथुन राशि की बारी है पंडित जी। अर्पिता, एक तो रिश्ते होते हैं माता पिता, दादा दादी के, पति पत्नी के, संतान के, लेकिन कुछ रिश्ते हमें समाज में भी मिलते हैं, उनको निभाना और बचाना भी जरूरी होता है। जैसे मित्रों के रिश्ते, पड़ोसियों के रिश्ते, ये भी आपके जीवन में गहरा असर डालते हैं।
और मिथुन वालों के साथ यही बात है कि आप अपने पड़ोसियों के साथ बेहतर रिश्ते रखिएगा। आपके रिश्ते पड़ोसियों के साथ या तो बिल्कुल नहीं होते या तो जरूरत से ज्यादा खराब होते हैं। इसीलिए अगर आपकी राशि मिथुन है तो अपने पड़ोसियों के साथ बेहतर रिश्ते रखें, नहीं तो पारिवारिक समस्याएं आपके जीवन में पैदा होंगी। अगर आपकी राशि मिथुन है और आपको कहीं भी लग रहा है कि आपकी फैमिली लाइफ में पारिवारिक जीवन में समस्या है तो आप अपने रिश्ते बाकियों के साथ भी बेहतर रखें, लेकिन पड़ोसियों के साथ अपने रिश्ते बेहतर रखने का प्रयास जरूर करें। तो अब वक्त है आज के सवाल का, और पहला सवाल है राहुल का जो कि गुड़गांव से लिख रहे हैं कि किस दिशा में उनको अपना करियर बनाना चाहिए। जी, राहुल जी ने गुड़गांव हरियाणा से हमें मेल लिखा है। अर्पिता, 12 अप्रैल सन 2000 का जन्म है। जन्म का समय है शाम के लगभग 6 बजे। जन्म का स्थान है गुरुग्राम, हरियाणा। राहुल कह रहे हैं कि मैं सरकारी नौकरी में जाना चाहता हूं, क्या उस क्षेत्र में जाऊं या किसी और क्षेत्र में मुझे करियर बनाना चाहिए। राहुल, मैं आपको कहूंगा कि आपकी कुंडली के हिसाब से आप ग्रेजुएशन करने के बाद गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाने का प्रयास करें, सरकारी नौकरी की तरफ जाने का प्रयास करें, SSC, CGL और क्लेरिकल नौकरियों की तरफ जाने का प्रयास करें, आपको फायदा होगा। और सर्वाधिक जो फायदे का समय है वो 2025-26 में दिखता है, अगर उस समय आप प्रयास करें तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। फिलहाल आप रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और एक बार आदित्य हृदय स्तोत्र, इसका पाठ करके प्रार्थना करिए, आपको लाभ होगा। थोड़ी मेहनत की मात्रा बढ़ाइए, थोड़ा कंसंट्रेशन बढ़ाइए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए अब बढ़ रहे हैं आगे, बात कर्क राशि की। पंडित जी, कर्क राशि वैसे अर्पिता बड़ी इमोशनल और बड़ी सेंटिमेंटल राशि है। नॉर्मली कर्क राशि के लोग रिश्तों को अच्छी तरह से निभाते हैं, इनको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कर्क राशि वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता माता पिता का होता है। माता पिता के साथ इनका अटैचमेंट वैसे भी ज्यादा होता है और खास तौर से पिता के साथ तो बहुत ही ज्यादा होता है। अगर आप अपने माता पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं रखते तो भावनात्मक और मानसिक समस्या हो सकती है। कर्क राशि वालों को डिप्रेशन होने की, मानसिक बीमारी होने की संभावना वैसे भी ज्यादा होती है, और अगर आप अपने माता पिता के साथ संबंध अच्छे न रखें तो आपकी समस्या, आपकी दिक्कत बढ़ेगी, मानसिक रूप से आप मुश्किल में आ जाएंगे। इसीलिए अगर आपकी राशि कर्क है और आपको जीवन में कभी भी लग रहा है कि आप मानसिक रूप से तकलीफ में हैं या मानसिक रूप से समस्या है, तो कृपा करके अपने माता पिता के साथ संबंध बेहतर रखिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए, आपकी समस्या दूर हो जाएगी। बिल्कुल। और अब अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि अमूमन ज्यादा रिश्तों के मामले में भरोसा नहीं करती, लेकिन अगर किसी एक रिश्ते को पकड़ लिया इन्होंने ठीक से तो फिर वो उसे छोड़ते नहीं, बड़े पॉजिटिव टाइप के रिश्ते निभाने वाले लोग होते हैं। अगर आपकी राशि सिंह राशि है तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता आपके जीवन साथी का है, आपके लाइफ पार्टनर का है। अगर आप महिला हैं तो आपके पति का रिश्ता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और अगर आप पुरुष हैं तो आपकी पत्नी का रिश्ता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके जीवन में। अगर आप अपने जीवन साथी के साथ संबंधों का ध्यान न दें तो स्वास्थ्य की समस्या आपको हो सकती है, सेहत की समस्या आपको परेशान कर सकती है। अगर आपकी राशि सिंह राशि है और आप स्वास्थ्य को लेकर के परेशान हैं तो जरा देखिए कि आप अपने जीवन साथी के साथ कैसा संबंध रख रहे हैं।
अगर आप अपने जीवन साथी के साथ बेहतर संबंध रखें तो निश्चित रूप से आपका जीवन बेहतर होगा और स्वास्थ्य की बाधाएं आपको परेशान नहीं करेंगी। चलिए अब बढ़ रहे हैं आगे, बात कन्या राशि की अब होगी। पंडित जी, कन्या राशि वाले वैसे अर्पिता वर्सेटाइल टाइप के होते हैं, बहुत सारे लोगों से दोस्ती, मित्रता, रिश्ता, लेकिन उसको लेके बड़े गंभीर नहीं होते। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, परवाह नहीं करेंगे, लेकिन इनके साथ बहुत सारे लोग जीवन में जुड़े रहते हैं। अगर हम कन्या राशि वालों की बात करें तो दोस्तों के साथ और जो इनके अपने उम्र के लोग हैं उनके साथ का रिश्ता इनके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अपने मित्रों के साथ, हम उम्र के साथ दोस्ती का रिश्ता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर ये दोस्ती ठीक से नहीं निभाते, मित्रता के रिश्ते को ठीक से नहीं निभाते तो आर्थिक मुश्किलें, फाइनेंशियल प्रॉब्लम पैदा होती हैं। तो आप ये पक्की तौर से जानिए कि अगर आपकी राशि कन्या है तो आपको दोस्ती करनी भी अच्छी तरीके से है और दोस्ती निभानी भी अच्छी तरीके से है। अगर आप ऐसा करें तो आपके रिश्ते तो बेहतर होंगे ही, जीवन में पैसे रुपयों को लेकर के आपको सामान्यतः दिक्कतें नहीं होंगी। अब वक्त है अगले सवाल का। सुनीता हमें दिल्ली से लिख रही है कि इनका विवाह कब हो पाएगा। जी सुनीता जी की जन्म तारीख है 31 दिसंबर 1994 जन्म का समय है सुबह के 7:45 और जन्म स्थान है दिल्ली। सुनीता जी आपको बता दूं कि आपका विवाह इसी वर्ष होगा, साल 2023 के अंत में स्वयं की इच्छा से किसी जाने पहचाने बालक के साथ आपके विवाह होने के योग बनते हैं। लेकिन आपकी कुंडली में वैवाहिक जीवन में दिक्कतें दिखाई देती हैं, इसलिए जब भी विवाह करिएगा कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा, नहीं तो वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आपको परेशान कर सकती हैं। फिलहाल आप ऐसा करें, एक ओपल बनवा के पहन लें, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अब बढ़ रहे हैं आगे, बात तुला राशि की। पंडित जी, तुला राशि वाले अमूमन रिश्ते निभाते हैं, चलाते हैं और कुल मिलाजुला के रिश्तों के मामले में अच्छे माने जाते हैं। लेकिन तुला राशि वालों के लिए सबसे कीमती रिश्ता कौन सा है? आपके ननिहाल का रिश्ता और ननिहाल के सारे रिश्ते, आपके मामा, मामी, मौसी, नाना, नानी, ये सारे रिश्ते आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। आप अपने ननिहाल के साथ अपना रिश्ता हमेशा बेहतर रखिए, क्योंकि अगर आप इस पर ध्यान नहीं देंगे तो कर्जों की और अपयश जैसी स्थिति पैदा होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि जीवन में अपयश ना मिले, कर्जे आपको परेशान ना करें, तो आप अपने ननिहाल के लोगों के साथ रिश्ते अच्छे बनाए रखें। वैसे तुला वालों को ऐसा भी देखा गया है कि ननिहाल की तरफ से पैसा या प्रॉपर्टी मिलने की संभावना भी इनकी जिंदगी में जरूर होती है। बिल्कुल, अब आगे बढ़ रहे हैं, अब अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लोग ज्यादातर रिश्ते निभाते नहीं हैं, एकाध दो रिश्ते इनके जीवन में गिनती के होते हैं जिसके भरोसे इनका जीवन चलता है। आमतौर पर रिश्तों को लेकर बड़े गंभीर भी नहीं होते और बहुत निभाते भी नहीं है। फिर भी मैं वृश्चिक वालों को कहूंगा कि जो आपके जीवन में स्त्री पक्ष के रिश्ते हैं, जैसे आपकी माता हैं, आपकी पुत्री है, आपकी पत्नी है, आपकी बहन है, जो आपके स्त्री पक्ष के रिश्ते हैं,
उनको जरूर निभाइए, वो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप इन पर ध्यान नहीं देंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति खराब होगी और जीवन में उतार चढ़ाव आपको झेलना पड़ेगा। इसलिए एक बात आप समझ लीजिए कि आपके जीवन में जो भी स्त्री पक्ष के रिश्ते हैं उनको निभाने का पूरा प्रयास करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल। अब अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि वालों को क्या करना चाहिए पंडित जी? धनु राशि वालों के लिए अर्पिता सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है सूर्य, जो इनका प्राण है। और जैसा कि हमने पहले भी जान लिया कि सूर्य का मतलब होता है पिता, इसीलिए धनु राशि वालों के लिए पिता का रिश्ता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और उसके बाद पुत्र का रिश्ता महत्वपूर्ण होता है। आप अपने पिता के साथ भी संबंध अच्छे रखें और अपने पुत्र के साथ भी संबंध अच्छे रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर गलती से भी आपके संबंध पिता के साथ बिगड़े या संतान के साथ बिगड़े तो जीवन में संघर्ष जरूरत से ज्यादा आपको परेशान करेगा। अगर आपकी राशि धनु है और आपको जीवन में कभी भी ये लग रहा है कि आपके जीवन में संघर्ष ज्यादा हो रहा है, अपने पिता के साथ जुड़ना शुरू कर दीजिए, पिता का सम्मान करना शुरू करिए, आपका संघर्ष कम होना शुरू हो जाएगा। तो अगला सवाल है ममता का, जो कि मुंबई से पूछ रहे हैं कि अपनी संपत्ति कब ले पाएंगी। जी, ममता जी की जन्म तारीख है अर्पिता 11 मार्च 1962। जन्म का समय है दोपहर के लगभग 2 बजे और जन्म का स्थान है वाराणसी। मेल लिखती है मुंबई से, ये पूछ रही हैं कि मैं बहुत जमाने से प्रॉपर्टी लेना चाहती हूं तो मैं कब ले पाऊंगी। ममता जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके संपत्ति लाभ की जो संभावना बनती है वो साल 2024 में बनती है। कोई बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट आप साल 2024 में खरीद पाएंगी, ये संभावना आपकी कुंडली में जरूर बन रही है। 2024 में अप्रैल के बाद आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। फिलहाल आप ऐसा करें कि रोज सुबह और रोज शाम 108 बार एक मंत्र पढ़ें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का सुबह शाम रोज जप करें और एक ओपल बनवा के पहन लें, लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। और अब अगली राशि मकर राशि। अर्पिता, मकर राशि के लोग रिश्तों को निभाते हैं लेकिन वो रिश्तों में बड़ी ईमानदारी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जीवन में जो हमें मिले वो हमारे प्रति ईमानदार रहे तो हम भी उसके प्रति ईमानदार रहेंगे। अगर मकर की बात करें तो इनके लिए खास तौर से मामा और मौसी का रिश्ता इनके जीवन में खास होता है, महत्वपूर्ण होता है। मामा और मौसी के साथ यानी मोटे तौर से ननिहाल पक्ष के साथ इनका रिश्ता महत्वपूर्ण होता है। अगर इस रिश्ते को ठीक न रखा जाए तो स्वास्थ्य की समस्याओं से गुजरना पड़ता है। इसीलिए मकर राशि अगर आपकी है और आप सेहत की समस्या से परेशान हैं तो अपने मामा और मौसी के साथ या मोटे तौर पे अपने ननिहाल के साथ अपने रिश्तों को बेहतर रखना शुरू करें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। बिल्कुल। अब अगली राशि का रुख करते हैं, वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि भी रिश्तों को बहुत निभाती है और जीवन में बहुत सारे रिश्ते होते हैं, छोटे बड़े जैसे भी हों, ये अपने भरसक निभाने का प्रयास भी बहुत करते हैं जी। अगर हम कुंभ की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता किसी नजदीकी मित्र का होता है, दोस्त का होता है।
आपके जीवन में हमेशा दोस्तों का सपोर्ट ज्यादा होता है, दोस्तों की भूमिका ज्यादा होती है, रिश्तेदारी की या रिश्तों की भूमिका कम होती है। अगर इस संबंध पर ध्यान न दिया जाए तो मानसिक समस्या और तनाव की स्थिति जीवन में बन जाती है। इसीलिए कुंभ राशि वाले जीवन में कम दोस्त रखें, लेकिन एकाध दोस्त जरूर रखें और उनके साथ संबंध बेहतर तरीके से निभाने का प्रयास जरूर करें। बिल्कुल, अब आगे बढ़ रहे हैं और मीन राशि का रुख करते हैं कि मीन राशि वालों को कौन से रिश्ते को संभाल कर रखना चाहिए। मीन राशि की अगर बात करें तो मीन राशि वालों के जीवन में कुछ रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं और कुछ रिश्ते बहुत खराब होते हैं। मिला जुला रिश्तों का ग्राउंड इनका रहता है। तो मीन राशि के लोगों के लिए ससुराल के लोगों के साथ का रिश्ता, खास तौर से सास ससुर के साथ, काफी महत्वपूर्ण होता है। अब ऐसा नहीं है कि मीन राशि की जो महिला है केवल उसी को ध्यान देना है कि सास ससुर के साथ रिश्ता अच्छा रहे। मीन राशि के जो पुरुष हैं उनको भी अपने सास ससुर के साथ रिश्ता अच्छा रखना चाहिए। अगर आप इस संबंध की अनदेखी करते हैं, अवहेलना करते हैं, तो आपका स्वास्थ्य भी खराब होता है और आपका मन भी खराब होता है। मोटे तौर पे आप ये जानिए कि आप अपने सास ससुर के साथ संबंध अच्छे रखिए, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, मानसिक रूप से बाधाएं आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगी। बिल्कुल, तो राशि के हिसाब से हमने आपको बताया कि किस रिश्ते को आपको संभाल कर रखना चाहिए। वैसे तो हर रिश्ता अनमोल होता है, हर रिश्ते को संभालिए, थोड़ी सी कोशिश रिश्तों को सुधार ला सकती है, ये जरूर याद रखिए। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।